ये वो बिल्डिंग है जहां पर जो है जन्म हुआ था सर्वदमन डे बनर्जी जी का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि सर्वदमन डे बनर्जी जी जो हैं वो यहीं पे जन्मे थे, यहीं से उन्होंने मुंबई जाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी थी। बनर्जी जी का था ना पहले। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज क्रॉफ्ट पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख रखा है कि आज हम कहाँ चलने वाले हैं और क्या आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की। एक धारावाहिक आई थी रामायण, और रामायण के बाद एक धारावाहिक 1993 में आई थी जिसका नाम था श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, रामायण, महाभारत और श्री कृष्णा, ये पुरानी वाली आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो जब श्री कृष्णा आप लोगों ने देखी होगी रामानंद सागर वाली, तो उसमें जो कृष्ण बने थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी, जिनका नाम है सर्वदमन डी बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, सर्वदमन डी बनर्जी उनका नाम है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी श्री कृष्णा में। आज उनके हम बचपन वाले घर पे पहुंच चुके हैं, जो कि पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम मैं आगे भी कंफर्म कर दूंगा आप लोग को। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उनका घर है, उनका गांव है, जहां वो जन्मे हैं। और जन्म लेने के बाद उन्होंने किस तरीके से बॉलीवुड में अपना करियर स्टार्ट किया, और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका के लिए वो हमेशा के लिए सदैव वो फेमस हो गए। सदैव उस क्या कहते हैं, उस फेस के साथ लोग उनको देखते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे। जैसे राम के, सीता के, लक्ष्मण के पुराने वाले किरदार सब हिट हो गए, वैसे श्री कृष्ण के रूप में ये भी हिट हो गए थे। तो चलिए आज इस वीडियो में उनका बचपन का घर दिखाते हैं कि वो कहाँ जन्मे, और बात करते हैं उनके जीवन से बहुत जुड़ी ऐसी दिलचस्प बातों के बारे में जो शायद आप लोगों को ना पता हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे, उस लोकेशन पे जहां पे जन्म हुआ था सर्वदमन डी बनर्जी जी का। जी हाँ दोस्तों, मेन गेट तो भी बंद मुझे दिख रहा है, लेकिन यहां पर आप लोग एक बाउंड्री बॉल देखोगे, बाउंड्री बॉल के पीछे यहां पर एक पुरानी बिल्डिंग देखोगे। जूम करके भाई दिखाना, ये वो बिल्डिंग है जहां पर जो है जन्म हुआ था सर्वदमन डी बनर्जी जी का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि सर्वदमन डी बनर्जी जी जो है वो यहीं पे जन्मे थे, यहीं से उन्होंने मुंबई जाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी थी, जिसके बाद उन्हें कई छोटे बड़े रोल मिले, लेकिन उनसे उनको कोई मुख्य क्या कहते हैं ना, फेस वैल्यू नहीं मिल पाई। लेकिन जब रामानंद सागर जी के द्वारा जब श्री कृष्णा बनाई गई, और श्री कृष्णा बनाई गई और उसमें जब सर्वदमन जी को कास्ट किया गया एज ए श्री कृष्ण जी के रोल के लिए, तब जाके वो सीरियल, वो खुद नहीं जानते थे इतना पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे फिल्मों का ज्यादा क्रेज था और सीरियल्स का कम क्रेज था। उसमें 90s 80s में क्या है, सीरियल का कम क्रेज था, लोग काम नहीं करना चाहते थे, सोचते थे छोटे मोटे रोल है कौन करेगा, और फिल्मों में ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू होती थी उस वजह से। लेकिन जब इनको सर्वदमन जी को श्री कृष्णा में रोल मिला, और जब वो श्री कृष्णा इतनी हिट हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई, और वो एक ऐसा चेहरा बन गया श्री कृष्ण के रूप का, जो कि आज अगर किसी से पूछो कि श्री कृष्ण भगवान का फोटो दिखाओ, तो लोग उन्हीं का दिखा देते कि यही श्री कृष्ण जी हैं जो कि श्री कृष्णा में उन्होंने रोल निभाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो, पुरानी बिल्डिंग पीछे है, अभी ये पूरी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। यहाँ पर एक अंकल से हमें पता चला था, जो कि प्रॉपर ये पूरा बेच दिया गया है, उनके भाइयों ने इसको बेच कर, देखो वो तो मुंबई रहने लगे थे, शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ठीक है अभी कहाँ रहते हैं कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो तो अभी फिलहाल के लिए मुंबई रहने लगे थे। तो फिल्मों में काम करने के बाद उनके भाई लोग थे, जो उनके पिताजी जो थे, पिताजी की उनके अभी डेथ हो चुकी है, वो रहते हैं एक दूसरा घर यहाँ पे, उन्होंने खरीदा है, इसको बेचकर आगे इधर चलेंगे, अभी वो भी दिखाएंगे चल के, उनके भैया से बात करेंगे, है ना। सुना है कि उनके भाई जो है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पर जो अभी बनर्जी साहब का ये घर था वो बिक चुका है, शायद इन फैक्ट्री वालों ही ने ले लिया, अंकल के बता रहे थे कि शायद फैक्ट्री वालों ने इसको ले लिया है, और उनके भाइयों ने आगे जाके खरीद कर वहाँ पे अभी घर बना रखा है, लेकिन उनका अभी कोई ताल्लुक नहीं रह गया। लेकिन ये है कि यहीं पे उनका जन्म हुआ था,
तो अभी बैक कैमरे को ऑन करेंगे और पूरा दिखाएंगे, बाउंड्री वॉल के अंदर के जाने को मिलेगा तो पास से भी पूरा घर दिखाएंगे। है यही फिलहाल। तो आप रहते हो यहाँ? किसका है ये? किसकी जगह है ये? ये फैक्ट्री वालों की है क्या? नहीं, किससे खरीदे? बनर्जी साहब की थी ना ये तो जगह, तब खरीदे इसको? अब जिन ही मालूम तब खरीदे। आप ही रहते हो यहाँ पे? अभी थोड़े दिन पहले बनर्जी का रूम है। बनर्जी जी का था ना पहले? तो अंदर से देखने को नहीं मिलेगा इसको? खरीद लिए वो रहे, जो खरीदे वो नहीं रहते यहाँ। तो सर्वदमन जी के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँ तो सर्वदमन जी का जो जन्म है वो 14 मार्च 1965 को हुआ था, इसी में मगरवाड़ा गांव, उन्नाव उत्तर प्रदेश। ये मगरवाड़ा गांव है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, यहीं उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जो है सेंट एलोयसिस स्कूल कानपुर से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी है और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे से उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करी है। और वो विवाहित हैं, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम अलंकृता बनर्जी है जो कि एक ध्यान शिक्षक यानी कि मेडिटेशन वाली भैया शिक्षिका हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि जो सर्वदमन डी बनर्जी अपनी पत्नी अलंकृता के साथ जो है अभी योग नगरी ऋषिकेश में रहते हैं, है ना। उनकी एक बेटी है जिनका नाम है आलिका, है ना। और इनके पिताजी का तो बात पता नहीं, भाइयों इनकी बहन है दो, जिनका एक नाम है रूपाली, दूसरी का नवनीता नाम है, है ना। इन्हें जो है राजेश खन्ना साहब बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट में इनको जो है सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है। अगर इनका जो है फिल्मी करियर बताएं अगर आप लोगों को कि कब इन्होंने डेब्यू किया था, तो एक आदि शंकराचार्य नाम की जो है फिल्म आई थी 1983 में, संस्कृत फिल्म थी आदि शंकराचार्य, उसमें आदि शंकराचार्य जी के रूप में इनको जो है रोल मिला था, आदि शंकराचार्य जी का रोल करने को मिला था और उसमें रोल किया था और मूवी वो काफ़ी अच्छी चली थी। उसके बाद तेलुगु फिल्म में भी इन्होंने काम किया है, श्री दत्ता दर्शनम 1985 में फिल्म आई थी, श्री दत्त जी के रूप में उसमें इन्होंने काम किया था, है ना। फिर एक हिंदी फिल्म आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी 2015 में, है ठीक है, तो उसमें ये अंतिम बार दिखे थे चंचल के रूप में, धोनी के ट्रेनर बने थे, चंचल के रूप में उनको देखा गया था MS धोनी फिल्म में, जिसको जो है सुशांत सिंह राजपूत ने किया था। टीवी सीरियल की बात करें तो कृष्णा, जैसा कि मैंने बताया 1993 में कृष्णा आया था, उसमें इन्होंने कृष्ण भगवान का और विष्णु जी का दोनों का रोल इन्होंने किया था और जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो गई और उसके बाद इनको जो है लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही जानने लगे थे। अब देखिए भाई, यहाँ पर कभी ये रहते थे और ये अभी ध्यान शिक्षक हैं यानी कि योग शिक्षक, योग भी सिखाते हैं, मेडिटेशन भी सिखाते हैं ये, और अपनी जो लाइफ अभी जी रहे हैं फिल्मी की दुनिया से ये दूर हैं अभी, लेकिन इसी घर में कभी पैदा हुए हैं जो कि आज देखिए खंडहर बना पड़ा है। शायद ये कभी थोड़े दिन बाद टूट जाएगा और ये भी देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा जो उनके भाइयों का है। तो चलिए चलते हैं उनके जहाँ भाई रहते हैं वो वाला घर दिखाते हैं कि कहाँ पे उनके भाई लोग रहते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पर जो आप लोग सड़क देख रहे हो ये हाईवे जो है कानपुर जाता है सीधा, और यहाँ पे लिखा है बनर्जी मेडिकल हॉल। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिकल हॉल जो है बनर्जी यानी कि सर्वदमन बनर्जी साहब का तो नहीं है लेकिन उनके भाई का ये है, और बनर्जी शिखा सदन करके यहाँ पे स्कूल चलता है पीछे की तरफ। और ये देखिए साइड से कुछ व्यू है इस घर का, जो कि ये नया वाला घर है उनकी फैमिली का है, ठीक है। आप लोग देखोगे इससे पहले हमने जो दिखाया है वो दिखाया था हमने, जो उनका पुराना वाला घर था जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उन्होंने जन्म लिया था वो वाला घर दिखाया था, वहाँ पर अभी बेच बाच के ये लोग उनके भाई लोग बेच के अभी यहाँ पे ये शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत घर बनाया हुआ है, इसमें आगे तो चलता है एक मेडिकल हॉल और पीछे चलता है बनर्जी शिखा सदन। जी हाँ, स्कूल और हॉस्पिटल दोनों चलाते हैं, इससे पहले भी अंदर भी हॉस्पिटल ही है जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को है। और ये देखिए डॉक्टर RD बनर्जी करके इनके जो भाई का नाम है वो डॉक्टर RD बनर्जी है, ठीक है, और उनका नाम है सर्वदमन डी बनर्जी करके उनका भी नाम है। ये देखिए अभी गए थे हम उनसे पूछने के लिए, पता करने के लिए, तो वो अंकल जो है डॉक्टर हैं तो वो बैठे थे वहाँ पर, तो काफ़ी लोग आ जा रहे हैं डॉक्टर हैं तो ऑब्वियसली बात बिजी हैं तो हम लोगों को इंटरव्यू टाइप से नहीं करा सकते, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए जो कि सर्वदमन साहब की फैमिली वालों का ये घर है अभी,
ठीक है, नया वाला, पुराना वाला जो जहाँ वो पैदा हुए थे वो मैंने अभी वीडियो में दिखाया हुआ था। तो गाइस फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देख रखा है भाई, हमने दिखाया है सर्व दमन डी बनर्जी जी का घर इस वीडियो के माध्यम से, और क्योंकि बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पे प्यार और सपोर्ट आप लोग जरूर बना के रखें, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पर सबसे पहले हम ही ने दिखाया है और दूसरा आएगा अपने कानपुर बॉयज़ चैनल पर, जो कि ऋतिक भाई ने भी बना रखा है कानपुर बॉयज़ चैनल के नाम, उस पर भी चैनल पर आएगा और अनुज क्रॉस पर। तो आप लोग देख ही रहे हो, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ऐसे एक महान अभिनेता कलाकार जिन्होंने हमारे भगवान श्री कृष्ण के अवतार को इस तरीके से निभाया है, उस समय का तो वो छोटा पर्दा था लेकिन आज के लिए वो एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। और हम लोगों को जो है, हम लोग जब देखते थे ना उस सीरियल को तो एक तरह से उनको जो भगवान की तरह ही मानते थे, क्योंकि वो उनकी जो छवि थी वो ऐसे ही दिखती थी। आज भी अगर भगवान श्री कृष्ण का अगर किसी को फोटो दिखाने के लिए बोलोगे तो उनका ही दिखा देगा भाई। अब हम लोगों ने अभी एक दो लोगों से पूछा था, अरे ये तो श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे क्योंकि उनके नाम से ज्यादातर उनको कोई नहीं जानता, श्री कृष्ण भगवान वो बने थे वो चेहरे से लोग जानते हैं, नाम से तो उतना लोग नहीं जानते, लेकिन उनको अगर दिखा दो अरे ये तो श्री कृष्ण है ऐसा बोलते हैं लोग, वो लोग उससे ज्यादा पहचानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, यूट्यूब पर पहली बार आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबाकर पे क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया है तो यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर कर दो और जल्दी शेयर करो भाई, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, ये जो है पहली वीडियो है, यहाँ की वीडियो किसी ने नहीं बनाई, पहली वीडियो है जो है बन रही है। तो भगवान श्री राम जो बने थे यानी कि अरुण गोविंद साहब, उनकी वीडियो मैंने बनाई थी घर की, तो आप लोगों ने मिलियन में प्यार दिया, इसको भी मिलियन में प्यार दो, 1 मिलियन भी चल जाएगी तो अपना काम हो जाएगा भाई, हमें लगेगा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया है। इसी तरीके से और सारे बहुत सारी वीडियोस हम लाते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है किस जो है टॉपिक पे, किस टॉपिक पे या फिर किस एक्टर की जो है आप चाहते हो उसकी भी कमेंट्स नीचे कर सकते हो, बताओ भाई जल्दी से। और आपको किसी का अगर पता हो ऐसे रामायण महाभारत से रिलेटेड कोई जगह का तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जाके पूरा आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।